वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 मीटर कपड़े से एक सुंदर सी कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। ये कुर्ती हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ध्यान से देखना, तभी आपको ये समझ आएगी कि किस तरीके से मैंने ये कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग की है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम अपने कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें बैक पैनल की कटिंग करनी है, इसलिए हमें इसको फोल्ड कर लेना है कपड़े को। हमें अपने कुर्ती की प्रिंट या कढ़ाई जो भी होता है हमें देख लेनी चाहिए कि वो हमारी सीधी रहे। यहाँ मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया। कपड़े की चौड़ाई मैंने 11 इंच रखी है, आप अपने माप के अकॉर्डिंग रखें। सबसे पहले हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। ये मेरा शोल्डर है 7 इंच, ये मैंने नीचे माप लिख दिया है, आप देख सकते हो। मैं इसी माप के अकॉर्डिंग ये निशान लगाऊंगी। शोल्डर के बाद हम अपना आर्म होल लेंगे, ऊपर से शोल्डर को 1/2 इंच नीचे गिराकर, उसके बाद मैंने आर्म होल लिया है 7 इंच। इसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए मैंने निशान लगाया है 9 इंच पर और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारी सिलाई के लिए रहेगा, मार्जिन रखेंगे हम। इसके बाद हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। ये मैंने 7.5 इंच नीचे निशान लगाया है। इसके बाद हम अपनी वेस्ट लेंगे। वेस्ट मेरी यहाँ 32, तो इसका चौथा हिस्सा करेंगे हम, तो ये 8 इंच आएगा, तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया। ऊपर से नीचे हम तिरछा मिला लेंगे। इसके बाद हम अपना हिप लेंगे, जो हिप लेंथ रखूँगी मैं वो रखूँगी 14 इंच, तो मैं ये 14 इंच पर निशान लगाया है मैंने। अब हम अपने हिप की चौड़ाई रखेंगे, ये मेरी है 10 इंच, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। कुर्ती की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। वेस्ट और हिप के निशान को आपस में मिला लेंगे। अब हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए ये कटिंग वाला निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। अब हम अपने आर्म होल को गोलाई की सेप देंगे, ये मैं 1 इंच पर गोलाई की सेप दे रही हूँ। हमने अपनी कुर्ती के बैक पैनल पर निशान लगा लिए, अब हम इसको कट कर लेंगे। बैक पैनल को कट करना सिंपल तरीके से कट करना है, जिस तरीके से हम अपने नॉर्मल कमीज को कट करते हैं। बैक पैनल को हम साइड में कर देंगे। अब हम अपने फ्रंट पैनल के लिए भी कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। फ्रंट पैनल में हमें क्या करना है कि हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर चलना है। जिधर से हमारा फोल्ड है उधर से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से ऊपर से नीचे तक हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है। इस तरीके से निशान लगाकर हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम अपने बैक पैनल को इसके ऊपर रखेंगे, जो हमने निशान लगाया उससे मिलाते हुए रखेंगे। अब हम शोल्डर को भी 1/2 इंच नीचे गिराते हुए निशान लगा लेंगे। हम नेक की चौड़ाई देख लेंगे हम कितनी रखनी है, जो भी आपको रखनी है वो निशान लगा ले। और फिर शोल्डर को 1/2 इंच नीचे गिराकर ये तिरछा निशान लगा ले। अब हम अपने फ्रंट पैनल पर जो हमारी कमर की लेंथ है, ये देखिए जो भी हमारी कमर लेंथ है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है उधर हम ये निशान लगा लेंगे। अब हमें सेम तरीके से जैसे हमने बैक पैनल की कटिंग कर रखी है उसी तरीके से हम फ्रंट पैनल की भी कटिंग कर लेंगे। नीचे से हम अपनी कुर्ती को गोलाई की सेप देंगे, हम 3 इंच पर ये निशान लगाएंगे और इसको गोलाई की सेप देते हुए ये निशान लगा लेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं ये सेप दे रही हूँ इसी तरीके से आपको ये सेप देनी है। और अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम आगे वाले भाग पर आर्म होल को 1/2 इंच की गहराई देंगे। हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है, अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। यहाँ मेरी बाजू में जोड़ आएगा क्योंकि मेरा कपड़ा प्रिंटेड है और मेरा प्रिंट एक तरफ जा रहा है, तो मैंने ये प्रिंट सीधा करने के लिए, ताकि मेरा प्रिंट आधा टेढ़ा ना दिखे, तो इसलिए मेरी बाजू में जोड़ आएगा। अगर प्रिंट नहीं होता मेरी कपड़े पर तो मेरी बाजू में जोड़ नहीं आता, इसलिए मैंने प्रिंट को सीधा रखते हुए बाजू की कटिंग कर रही हूँ, तो मेरी बाजू के बीचों बीच जोड़ आएगा, लेकिन वो गंदा नहीं लगेगा। उसका भी हमारे पास इलाज है, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी
कि उसके लिए हमें क्या करना है। अगर आपको बाजू की कटिंग नहीं करनी आती तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो कि दो आसान तरीके से बाजू की कटिंग कैसे करें। जो हमने बाजू कट की है उसकी लेंथ हमने 13 इंच रखी है, और बाजू के नीचे लगाने के लिए मैंने दो पट्टियाँ ली हैं। ये दोनों पट्टियाँ हम बाजू के नीचे लगाएंगे, ये दोनों पट्टियाँ फोल्ड है, फोल्ड करके हम इन्हें बाजू के नीचे लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे बाजू की लेंथ बढ़ जाएगी, इससे हमारे बाजू की 3 इंच लेंथ बढ़ जाएगी पट्टी लगाने से, और इसमें एक डिजाइन भी आ जाएगा। ये इस तरीके से हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमने फ्रंट पैनल पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है ये वाला, और हमने यहाँ पर अपनी वेस्ट पर ये निशान लगा रखा है। जो हमने निशान लगाया है सीधा ऊपर से लेकर हम नीचे तक वेस्ट तक ये सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये सीधी सिलाई लगाने के बाद हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। ये सिलाई लगा ली है मैंने यहाँ से यहाँ तक। अब हमें इस पर प्रेस लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे, और जो हमने ये सिलाई लगाई है देखिए, इस कपड़े को हाफ कपड़ा हमारा इधर रहेगा सिलाई से, हाफ इधर, इस तरीके से रखते हुए हम इस पर प्रेस लगाएंगे। ये मैंने इधर से प्रेस लगा ली है, ये देखिए इस तरीके से मैंने ये प्रेस लगाई है। हाफ कपड़ा हमारा इधर है, हाफ कपड़ा इधर, और बीच में ये हमारी सिलाई है। इस तरीके से मैंने पूरा नीचे तक ये प्रेस लगाई है, और आगे से इसका कुछ लुक इस तरीके से आएगा। अब हम कुर्ती के नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम ये कटिंग बैक पार्ट पर कर लेंगे, उसके बाद हम ये फ्रंट पे करेंगे। हम बैक और फ्रंट दोनों नेक एक जैसे बनाएंगे, लंबाई और चौड़ाई उनकी एक रखेंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे हम अपने नेक की चौड़ाई। चौड़ाई लूंगी मैं ये 3.5 इंच, ये 3.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे हम। इसके बाद लेंगे हम नेक की लंबाई, मैं ये लंबाई रखूंगी 5 इंच, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो लंबाई और चौड़ाई। ये मैंने निशान लगा लिया है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे हम, इस तरीके से रख लेंगे हम। ये देखिए ये हमारा कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। दोनों साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, जो हमने प्रेस लगाई है, उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। उसके बाद हम ये बैक पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। हमने नेक को कट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से हमारा नेक आ जाएगा। हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब मैंने एक ये पट्टी तैयार की है, देखिए ये मैंने फोल्ड करके ली है ये पट्टी इस तरीके से। ये मेरी पट्टी, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है, और इस पट्टी की लंबाई 12 इंच है। पट्टी की लंबाई 12 इंच है, चौड़ाई 3 इंच है। पट्टी को मैंने फोल्ड किया, ये देखिए इस तरीके से मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद जिधर से हमारी ओपन वाली साइड थी, इधर से ये हमारी ओपन वाली साइड है। ओपन वाली साइड से हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करके मैंने अंदर की साइड प्रेस लगा ली है इस पर। ये हमारी बटन पट्टी होगी, ये मैंने बटन पट्टी तैयार की है, इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। कमीज को इस तरीके से रखेंगे हम, जिधर से हम ये सिलाई लगाएंगे इधर से हमारी ये ध्यान रखेंगे, इधर से हमने ये फोल्ड कर रखी है, इधर से हम ये सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम पट्टी को रख लेंगे, बिल्कुल बीच में रखना है हमें। और ये सीधी सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ तक हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे से इसे फोल्ड करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से हमारी बटन पट्टी नीचे से फोल्ड रहती है उसी तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए आप, यहाँ से हम पट्टी को इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम अपना ये वाला किनारा यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए।
इस तरीके से, ये देखिए अब नीचे से हमारे ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये वाला कॉर्नर हमारे बिल्कुल इस तरीके से बीच में आना चाहिए हमारी कुर्ती के। ये एक बार देख लीजिए मैंने कैसे सिलाई लगाई है। इधर से हमने एक सिलाई लगाई, इधर से नीचे से फोल्ड करके हमने बटन पट्टी की तरह बना दिया। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने बटन लगाएंगे। ये इधर से हमारा इसी तरीके से रहेगा, यहाँ हम अपने बटन लगा लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती के शोल्डर को जोड़ लेंगे, बैक और फ्रंट पार्ट लेंगे और उसको इस तरीके से रखते हुए ये सिलाई लगा लेंगे हम सीधी। शोल्डर को यहाँ मैंने जोड़ दिया। हम अपना नेक तैयार करेंगे। हम कोई भी तिरछी पट्टी ले लेंगे इस तरीके से। ये मैंने तिरछी पट्टी ले ली है। अपनी तिरछी पट्टी को नेक की सीधी साइड में रखते हुए गोलाई में सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इस पट्टी को हम उल्टी साइड में पलट कर अपना नेक रेडी कर लेंगे। नेक को यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी बाजू बनाएंगे। बाजू को मैंने कट करके रखा पहले से ही। ये इधर हमारी बाजू के बीचों बीच जोड़ आएगा। सबसे पहले हम ये सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये सीधी सिलाई लगाने के बाद हमने जो ये पट्टी काट कर रखी थी, इस पट्टी को हम इसके ऊपर रख कर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी बाजू आ जाएगी और इधर हम बाजू पर अपने बटन लगाएंगे। तो ये बाजू भी हम रेडी कर लेते हैं। ये मैंने अपनी बाजू को तैयार कर लिया। इधर से जोड़ा हमारा, यहाँ आगे हमने एक पट्टी लगाई है और यहाँ पर हम अपने कोई भी मनपसंद बटन लगा लेंगे। इस तरीके से मैं ये बटन लगाऊंगी। आप कोई भी अपने मनपसंद बटन लगा सकते हो। एक जैसी दूरी पर हम ये बटन लगा लेंगे। इधर मैं चार बटन लगाऊंगी। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू पर लगाएंगे। दोनों बाजू पर हमने बटन लगा लिए हैं, इस वाली पर भी। अब हम इसे अपनी कुर्ती पर अटैच कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती के आर्म होल है। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे हम और ये सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए इधर भी हम ये सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे अपनी बाजू को। यह मैंने दोनों बाजू को अटैच कर लिया अब। और मैंने ये फिटिंग के लिए निशान लगा लिए हैं। जो भी आपका निशान, उसी तरीके से आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगा ले, जो भी आपका माप है। और ये सिलाई लगाएंगे हम। ये सिलाई हम पूरा नीचे तक लगाएंगे इस तरीके से। पूरा नीचे तक हमारी ये कुर्ती बंद रहेगी। ये मैंने कुर्ती पर साइड वाली फिटिंग भी लगा ली है। इस तरीके से हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। नीचे के साइड से भी मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से आप नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लें। इस तरीके से इसका कुछ फाइनल लुक आया है और मैं इसको आपको पहनकर भी दिखाऊंगी कि इसका लुक किस तरीके से आने वाला है। पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये कुर्ती अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते किसी न्यू वीडियो में किसी नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।